नमस्कार हिमाचल, अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और लेकर आई हूं आपके लिए काम की बात। देश के कई राज्य में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और बरसात शुरू हो गई है। कुछ राज्य में अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना जताई जा रही है। भीषण गर्मी के बाद राहत की बारिश किसको अच्छी नहीं लगती। इलाका गर्म हो या ठंडा, समय समय पर बारिश तो होती ही रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भी गांव है जहां पर कभी बारिश ही नहीं होती। ये कोई रेगिस्तान नहीं है, बल्कि ये एक गांव है जहां पर लोग रहते हैं। इस गांव का नाम अल हुतैब है, जो यमन की राजधानी सना के पश्चिम में मनख के निदेशालय के हरज क्षेत्र में स्थित है। यहाँ अक्सर पर्यटक आते रहते हैं और शानदार नजारों का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पहाड़ों की चोटी पर भी इतने खूबसूरत घर बनाए गए हैं जिसे लोग देखते ही रह जाते हैं। अल हुतैब गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कभी बारिश नहीं होती। इसकी वजह यह है कि ये गाँव बादलों के ऊपर बसा हुआ है। बादल इस गाँव के नीचे ही बनते हैं और बरस जाते हैं। यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत है। ग्रामीण और शहरी विशेषताओं के साथ प्राचीन और आधुनिक वास्तुकला दोनों को जोड़ने वाला ये गांव अब अल बोहरा या अल मुकरामा लोगों का गढ़ है। इन्हें यमनी समुदाय कहा जाता है। चलिए इस काम की बात में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।